इसराइल हमास युद्ध में दोनों खेमे बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे को हराने की जिद ने गाजा ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल लाकर रख दिया है। गाजा तो पहले से ही तबाह हो गया है, अब वीरान खंडहर में तब्दील हो चुके इस इलाके में इजरायली बलों और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त गोरिल्ला वार छिड़ा है, जहां हमास के लड़ाके छिपकर इजरायली सेना पर हमलावर हैं। लड़ाके इमारतों के मलबे में छिपकर तो वहीं पेड़ों की ओट से घात लगाकर इजरायली बलों पर जोरदार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ हमलों में हमास लड़ाके गाजा में हावी दिखे हैं। इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के अलग अलग मोर्चे में चलाए जा रहे ऑपरेशनों से इजरायली सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस बीच फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड ने सुजालिया के पड़ोस में IDF पर हमला बोला। इससे जुड़ा एक खतरनाक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है, इसमें IDF और हमास के लड़ाकों की आमने सामने की भिड़ंत दिखाई गई है। वीडियो में ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑपरेशनल कमांड को दिखाया गया है। इसके बाद प्रतिरोध के खूंखार लड़ाके एक इमारत में घुसते दिख रहे हैं, जहां इजरायली बलों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। इसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से अंधाधुंध फायरिंग होती है। फुटेज में इजरायली सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमास ने दावा किया कि इस हमले में IDF के कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा मुजाहिदीन आंदोलन की मिलिट्री विंग अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली सैनिकों के खिलाफ किए गए अहम स्नाइपर ऑपरेशनों का फुटेज जारी किया। इसमें लड़ाकों के घात लगाकर सटीक हमलों का दावा किया गया। इस दौरान इसराइल के सैन्य मोर्चों को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। वहीं अल कासिम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने अल सुजाइया के पड़ोस में बगदाद स्ट्रीट में एक अल यासिन 105 रॉकेट के साथ एक इजरायली मरकबा 4 टैंक को निशाना बनाया। ऐसे में हमास के इन वीडियो से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा में इजरायली बलों को मजबूत टक्कर मिल रही है। गाजा का रण इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है, यही वजह है कि इसराइल का गाजा ऑपरेशन 9 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। इसराइल गाजा में हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर पाई है। दावा तो यह भी किया जाने लगा है कि हमास फिर से एक्टिव हो गया है। गाजा के जिन जिन इलाकों को इजरायली बलों ने हमास से मुक्त कराया था, फिर से वहां जंगी हालात बन गए हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ की मिलिट्री विंग ने भी इसराइल पर हमले का खुलासा किया है। अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि उसके प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा के दक्षिण में नजारिम एक्सिस में इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर मोर्टार गोले से हमला किया। इसके अलावा ब्रिगेड ने गाजा के पूर्व में अल शुजाइया पड़ोस में भारी मोर्टार बैराज से इजरायली सैनिकों और उसके टैंकों को निशाना बनाया। इसके अलावा लड़ाकों ने रफा क्रॉसिंग गेट पर तैनात इजरायली सैनिकों को मोर्टार के गोले से निशाना बनाकर ढेर किया। वहीं अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने भी अपने तेवर दिखाते हुए इसराइल पर भीषण कार्रवाई कर फिलिस्तीनी प्रतिरोध को लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर के उत्तर में फिलिस्तीनी मिस्र सीमा पर तैनात इजरायली बलों और उनके सैन्य वाहनों पर मोर्टार गोले दागे।